सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे बढ़े रहे। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आने वाले न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में। इसके अलावा आज हम लोग बात करेंगे इलाइट आलोक के बारे में, कि भाई आप लोगों को अपने गेम के अंदर इलाइट आलोक कब देखने को मिलने वाला और किस तरह का आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और भी काफी सारी गिरना फ्री फायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली आज की इस वीडियो में। तो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना, क्योंकि भाई अगर आप लोगों ने वीडियो को जरा भी स्किप किया तो काफी सारी चीजें मिस कर दोगे। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली कि भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्री फायर से रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट्स की वीडियो लेकर आता रहता हूं। जिससे कि भाई जब भी मैं कोई भी न्यू अपडेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये दो गन की स्किन है भाई वो आप लोगों को डायमंड के अंदर दी गई है, लेकिन भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों ये दोनों गन की स्किन गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। उसका यही रीजन है कि भाई बाकी के जितने भी सर्वर सभी के सभी सर्वर पर भाई ये वाली दोनों स्किन गोल्ड के अंदर डाली गई थी, लेकिन भाई हमारे इंडियन सर्वर पर ये दोनों स्किन क्रेट के अंदर डाल दी गई, जो कि भाई आप लोगों को डायमंड से खरीदने पड़ेंगे। सर काफी सारे बंदे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई ये दोनों गन स्किन हमको गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को नहीं मिली है, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं जो भी लीक्स एंड अपडेट होती है वो 100% कंफर्म नहीं होती है। उनमें से कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाती है, आप लोगों को देखने को नहीं मिल पाती है। जैसे कि भाई आप लोगों को टॉपअप इवेंट में लूट बॉक्स और ग्लोल की स्किन देखने को मिल गई होगी। और बात करें टोकन टावर इवेंट की, तरह मैंने जो जो चीज आप लोगों को टोकन टावर इवेंट के लिए बताई थी वो सारी चीज तो आ ही गई थी, लेकिन भाई जो एनिवर्सरी का फीमेल का बंडल था वो भी भाई आप लोगों के टोकन टावर इवेंट के अंदर डाल दिया गया। तो यार ये चीज आप लोगों को समझना जरूरी है, मैं या फिर और कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को जो भी लीक्स एंड अपडेट देते हैं वो 100% कंफर्म नहीं होती है। हम वही लीक्स एंड अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं जो कि भाई हमारे डाटा माइनर्स के द्वारा हमें मिलती है। अब बात कर लेते हैं आने वाले कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। जैसे कि भाई आप लोग देख सकते आप लोगों के लिए एक न्यू इवेंट निकल कर आ रहा है, कटाना कलेक्शन पार्टी इवेंट, जिसमें भाई आप लोगों को एक लेजेंडरी कटाना की स्किन देखने को मिल जाती है, जो कि भाई अभी तक हमारे सर्वर पर नहीं आई है। और बाकी की जो चार कटाना की स्किन दी गई है वो पहले भी हमारे सर्वर पर आ चुकी है। तो भाई एक कटाना की स्किन निकालने के लिए आप लोगों को कम से कम 5 स्पेशल स्पिन करने होंगे, यानी कि भाई लगभग 500 डायमंड में आप लोगों को एक कटाना की स्किन मिल जाएगी। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो आप लोगों के लिए एक न्यू इवेंट टावर ऑफ किंग निकल कर आ रहा है, जिसके अंदर भाई आप लोगों को एक ओपी सा बंडल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को कस्टम कार्ड मास्क और एक इमोट देखने को मिल जाता है। तो इस बंडल को लेने के लिए आप लोगों को स्पिन करके 5 अलग अलग कलर की चाबी इकट्ठी करनी होगी, तो भाई आप लोगों को ये बंडल मिल जाएगा। तो भाई हो सकता है कि आप लोगों को हमारे इंडियन सर्वर पर कुछ इस तरह का इवेंट नजर आ जाए, या फिर भाई हो सकता है कि आप लोगों को ये वाला बंडल कोई भी वेब इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के बारे में होने वाले, जो कि भाई आप लोगों को 2 अगस्त को देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को ये वाला इमोट 500 डायमंड के टॉपअप पर नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के अंदर नजर आ सकता है, और भाई इसके साथ 100-200 डायमंड के टॉपअप पर आप लोगों को छोटी मोटी चीज नजर आ जाएगी। बट यार अभी मैं इसके लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि भाई अभी तक हमारे डाटा माइनर्स ने कंफर्म नहीं किया है कि भाई आप लोगों को नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के अंदर क्या चीज देखने को मिलने वाली है। न्यू टॉपअप इवेंट के लिए कोई भी कंफर्मेशन निकल कर आती है तो मैं आप लोगों को जरूर से बता दूं। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई आप लोगों को 28 अगस्त को एक न्यू स्पेशल रॉयल देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर भाई आप लोगों को तीनों बंडल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस टॉपिक को मैंने फिर से अपनी वीडियो में कवर कर लिया है, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी इन बंडल्स को लिए बिना रह जाए। अगर जिन भी बंदों को इसके बारे में पता नहीं था तो भाई उनको पता लग गया होगा। अगर मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना कि भाई कौन कौन इन बंडल्स को निकालने वाला और किन किन के पास कितने कितने गोल्ड कॉइन्स पड़े, यानी कि भाई तीनों के तीनों बंडल्स निकालने के लिए आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होना जरूरी है। मैं तो बोलूंगा भाई इस इवेंट के लिए आप लोगों के पास कम से कम 1 लाख गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो जैसे आप सभी को पता होगा जब से हमारे एनिवर्सरी का इवेंट शुरू हुआ है तो भाई आप लोगों को कोई ना कोई चीज पर 50-60% ऑफ दिया जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई आप लोगों को पेट की स्किन पर भी 50% ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी पेट की स्किन पसंद है और अगर आप लेना चाहते हो तो भाई इस इवेंट का आने का आप लोग वेट कर सकते हो। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई हमारे एक सर्वर पर पिंक डायमंड एक्सचेंज करने के लिए दिए गए, यानी कि भाई अगर पहले से आपके पास कोई पिंक डायमंड पड़े हैं तो भाई आप यहां से एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी यार यहां पे भी और ज्यादा पिंक डायमंड लेने के लिए कोई भी इवेंट्स देखने को नहीं मिला है, तो गाइस हो सकता है इन फ्यूचर में हमें पिंक डायमंड हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाए, या फिर भाई हो सकता है कि आप लोग कुछ इस तरह के इवेंट देखने को मिल जाए जिससे कि भाई अगर आपके पास पहले से पिंक डायमंड पड़े हैं तो भाई यहां से आप लोग एक्सचेंज कर पाओगे। सो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में होने वाली है। तो भाई जैसे आप सभी को पता होगा 28 अगस्त को आप लोगों को एक मैजिक क्यूब देखने को मिलने वाला है। 100% आप लोगों के मैजिक क्यूब स्टोर को भी अपडेट किया जाएगा, लेकिन भाई आप लोगों को उनमें से कोई भी बंडल नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, बट आप लोगों को अपना मैजिक क्यूब बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को ये दो न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स देखने को मिल सकते हैं हमारे इंडियन सर्वर पर, जो कि भाई मैंने पहले भी आप लोगों को बताए थे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैं इन दोनों बंडल्स को देना चाहूंगा, उसके बाद आप लोगों को ये दो और न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स देखने को मिल सकते हैं हमारे इंडियन सर्वर पर, जिसमें मेल वाले बंडल का नाम है स्कूल लॉर्ड और फीमेल वाले बंडल का नाम है स्कूल प्रिंसेस। यार
ये दोनों बंडल आप लोगों को हमारे इंडियन सर्वर पर मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर नजर आ सकते हैं। इसके बाद गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये चार न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स भी हमारे इंडियन सर्वर पर नजर आ सकते हैं। खैर ये चारों के चारों बंडल ही बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बाकी आपकी पसंद है कि भाई आप लोगों को अच्छे लगते हैं नहीं लगते। भाई मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मुझे लगता भी नहीं कि भाई ये बंडल्स अगर हमारे इंडियन सर्वर पर डाले गए तो भाई इन्हें कोई भी लेने वाला है। बट यार ये रीजन नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर से बंडल लेने के लिए मना कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि भाई आप लोगों के लिए मैजिक क्यूब स्टोर तो अपडेट किया जाएगा, लेकिन भाई उसके अंदर आप लोगों को कोई भी अच्छा बंडल देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यार जैसे कि आप सभी को पता होगा अक्टूबर मंथ में हमारी दिवाली आने वाली है, तो भाई हो सकता है कि दिवाली के इवेंट के टाइम भी आप लोगों को एक मैजिक क्यूब बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाए और साथ ही में भाई आप लोगों के पूरे मैजिक क्यूब स्टोर को अपडेट किया जाएगा। क्योंकि भाई अगर अभी सारे सारे अच्छे अच्छे बंडल्स आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर डाल दिए जाएंगे भाई दिवाली को क्या दिया जाएगा। इसलिए भाई आप लोगों को दिवाली को अच्छे अच्छे बंडल्स देखने को मिलने वाले हैं अपने मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर, और वो भी कौन कौन से देखने को मिलने वाले वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है मशीन इवोल्यूशन बंडल, जो कि यार काफी ज्यादा ओपी बंडल है। इसके बाद गाइस आप लोगों को जोकर और सामुराई वाले मेल और फीमेल के बंडल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस आप लोगों को देखने को मिल जाता है पांडा वाला फीमेल का बंडल, जो कि यार काफी ज्यादा ओपी और सभी लोगों भाई पसंद है। इसके साथ ही गाइस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं ब्लू आर्टिक बंडल और इसके साथ वाला फीमेल वाला बंडल। लेकिन भाई ब्लू आर्टिक बंडल के हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में आने के बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन भाई मैं आप लोगों को बता दूं हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर वही बंडल देखने को मिलते हैं जो कि भाई हमारे डायमंड रोल के अंदर पहले आ चुके होते हैं। तो शायद से आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन भाई जो पुराने प्लेयर्स उनको पता होगा एक टाइम था भाई जब ब्लू आर्टिक बंडल भी हमारे डायमंड रोल के अंदर देखने को मिला। भाई ये सारे बंडल्स आप लोगों को हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर देखने को मिलने वाले दिवाली इवेंट के टाइम, जैसे कि भाई हमें पिछली बार भी दिवाली इवेंट में देखने को मिले थे। तो भाई अगर आप चाहो तो फोर्थ एनिवर्सरी के टाइम आने वाले न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स ले सकते हो, अदरवाइज भाई आप लोग दिवाली के इवेंट का भी वेट कर सकते हो, क्योंकि यार उस टाइम बहुत ही अच्छे अच्छे बंडल आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर देखने को मिलने वाले। जितने भी बंडल्स थे सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए, जो कि भाई आप लोगों को दिवाली इवेंट के टाइम हमारे मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर देखने को मिल सकते। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोगों के इलाइट आलोक के बारे में होने वाली। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो इलाइट आलोक के लिए न्यूज निकल कर आ रही है, जो कि भाई आप लोगों को OB30 के अपडेट के बाद देखने को मिल सकता है। तो बात करें भाई आप लोगों को किस तरह का देखने को मिलने वाला है, जैसे कि भाई आप लोग देख ही सकते हो आप लोगों का इलाइट आलोक कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है OB38 के अपडेट के बाद। और भाई मैजिक क्यूब वाली वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर के बोलने पर लेकर आया हूं, तो भाई आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। सो गाइस यही सारी अपडेट निकल कर आ रही थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक अपडेट की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। यार मिलते हैं अगली वीडियो में और ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।